गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ मित्रों, हम दूसरों को देखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं ये सबसे पहले देखें। मछली पकड़ने पर इंसान को कितना आनंद आता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के मछली कैसे तड़प तड़प कर मर जाती है, उसमें भी प्राण थे। आज यही चीज इंसान महसूस कर रहा है। हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो देर सवेर हमें नतीजा मिलेगा ही, और आज उसी नतीजा का फल है लॉकडाउन, कोरोना आदि। मित्रों, हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, प्रेम करें, शाकाहारी बनो, यही तो कहा जा रहा है ना। हम क्यों आखिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच सबको गाली दे रहे हैं? गाली के ऊपर गाली, गाली के ऊपर गाली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कभी हमने अपने आप को झांक कर देखा है? अरे, यह जो 700-800 रुपए का ऑक्सीमीटर है, उसे 3000 रुपए प्लस करके कौन बेच रहा है? ये तो हम ही है ना। और जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं वो कौन है? वो सांसद, विधायक? अरे नहीं, वो भी हम ही है। यह जो रेमडेसिविर को 3-4 हजार रुपए मात्र का है, जिसे 20 हजार रुपए प्लस में बेच रहे हैं, ये कौन लोग हैं? यह भी तो हम ही है ना। यह जो शमशान की लकड़ियों में बेईमानी कर रहे हैं वो कौन है? वो भी हम ही है। नारियल पानी, सब्जी, दाल, अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर ये लूट मचा रखी है, ये लोग कौन है? ये तो हम ही है ना, सामान्य जनता है। जिस देश में जिसको जहां मौका मिला तो लूटने में लग गया। यहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक ही ईमानदार है जब तक उसको चोरी करने का या लूटने का मौका नहीं मिलता। ये कैसा देश है, कैसे लोग हैं, कितनी घटिया मानसिकता है हमारी। जो डॉक्टरों द्वारा विटामिन सी अधिक लेने की कहने पर 50 रुपए प्रति किलो के नींबू को 150 रुपए प्रति किलो में बेचने लगते हैं, उसी तरह 40-50 रुपए का बिकने वाला नारियल पानी आप 100 रुपए में बेचने लगते हैं। आप क्या चाहते हैं? जनता की भलाई? कोई भलाई नहीं चाहते। अरे जो मरीजों के ऑक्सीजन की कमी सुनते हैं तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। जो दम तोड़ते मरीजों की दुर्दशा देखते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने शुरू कर देते हैं। जो अपना ईमान बेचकर इमरजेंसी इंजेक्शन में पानी या कुछ और मिलाकर बेचने लगते हैं। ये कैसी बेईमानी है अपने लोगों से। अपना क्या कर्तव्य है क्या आपको नहीं मालूम? जो डेड बॉडी लाने के नाम पर पानीपत से फरीदाबाद तक के 36 हजार रुपए मांगने लगते हैं लुटेरे। जो मरीज को दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा स्थित किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने की बात करते हैं तो एम्बुलेंस का किराया 10-15 हजार रुपए मांगते हैं। ये चोर कौन है? ये बेईमान कौन है? सांसद, विधायक है कि तुम हो? क्या वास्तव में हम बहुत मासूम हैं या लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध हैं? अरे गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है दोस्तों, पर हम तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच रहे हैं। कहां लेकर जाएंगे ऐसी दौलत? अरे तुम्हारा भी वही हाल होगा, बस उसी तरह से जल मरोगे। या फिर किसके लिए ये सब कर रहे हो? क्या ऊपर ले जाने के लिए? कभी सोचा है आपने? एक बार सोचना जरूर, एक दिन हिसाब सबको देना पड़ेगा। याद रखो, जनता की अदालत में नहीं तो ईश्वर की अदालत में हिसाब दोगे।
हिंदुस्तान को आज कोरोना नहीं मार रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? इंसान ही इंसान को मार रहा है। दोस्तों याद रखिए, जीवन चलने का नाम है। सब स्थिर हो गए हैं, कैसे चलेगी जिंदगी, कभी आपने सोचा है? तो मित्रों, जीवन चलने का नाम है। आज तो स्थिरता की ओर है जीवन, और हम सब घर में लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हमें काम करने के लिए निकलना तो पड़ेगा, तो इसके लिए भी तैयारी कर ले, नहीं तो हम खाएंगे क्या? और मित्रों, ये बेईमानी नियत को हम छोड़ें। जब तक के हम बेईमान बने रहेंगे, तब तक के इस देश के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर भारतीय ईमानदारी के रास्ते का चयन करें। कम से कम अपनों को तो मत लूटें। अरे दोस्तों, इस बात का याद रखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।